बीते कल जो अजनाला दे विच होया वह काफ़ी निंदन योग है। पालकी साहिब का सारिआं नूं सत्कार करना चाहिए है, पर अमृतपाल के साथियों के वलों श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ दे विच थाने दे उपर कब्जा किया गया सी, जो कि काफ़ी निंदन योग है। इस दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई है। अजिहा करन नाल कई सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस भी पहुंची है। यह कहना है श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल दा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं ढाल बना के इक पुलिस स्टेशन ते थमणा तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं थाने च लै गए हो, थाने च लै गए, शराब उत्थे पई है, ड्रग उत्थे पए, ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਕੇ श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की खालसा पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है। श्रोमणी अकाली दल की सोच पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ रखनी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल गुरुआं दे दसे हुए रस्ते ते चलन वाली पार्टी है। तो सारे नूं पता है कि पंजाब अपना घर है। श्रोमणी अकाली दल का 102 साल का इतिहास देखो, आज़ादी तो पहले देश की आज़ादी विच सब तो वध कंट्रीब्यूशन जे कीती, संघर्ष किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया। जदों चाबियां का मोर्चा जितया महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने देश की पहली आज़ादी लड़ाई जित ली है। देखो पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल चाहता है कि पंजाब वधे, इत्थे भाईचारक सांझ होगी ताई तरक्की होगी, जे अमन शांति होगी तां तरक्की होगी। दूजियां जिहड़ियां पार्टियां उन्हां दी सोच है कि आपां धर्म नूं धर्म नाल लड़ा के इत्थे अमन शांति भंग करके आपां एक सैक्शन नूं लै के आपां अपना पोलिटिकल बेस बनाईए। तुसीं सारे जानते हो कि पंजाब जिहड़ा सब तो अमीर सूबा मन्निया जांदा सी ते सारे देश तो लोग इत्थे आउंदे सी, पर जिहड़े 15 साल अपने इत्थे माहौल ठीक नहीं रहा, तुसीं देखो पंजाब किन्ना पिछे चले गया। नौजवान मारे गए, डिस्टर्बेंस होई, कोई इंडस्ट्री नहीं हुई, व्यापार बंद हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। बड़े मेहनत करके इसका प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब नूं वापस खड़ा किया। पंजाब विच बादल साहब दे राज विच अमन शांति रखी गई, भाईचारक सांझ रखी गई। साहब प्रकाश सिंह जी बादल सारे धर्मां दे पवित्र स्थान च आप जांदे सी, उन्हां दे शुभ दिहाड़े आप मनाउंदे सी, क्योंकि उन्हां दी सोच सी कि पंजाब विच जे सारे इकट्ठे रहांगे तां ही पंजाब तरक्की करूगा। तो हौली हौली पंजाब विच इन्नी डिवेलपमेंट श्रोमणी अकाली दल दी सरकार ने कराई कि तुसीं अज देख लो जिन्नी भी डिवेलपमेंट होई है, भावें पावर सरपलस है, भावें एयरपोर्ट है, भावें सड़क है, भावें किसानी की हर सहूलत अकाली दल ने दिती। सो अकाली दल हमेशा सिख पंथ ते पंजाबियों की लड़ाई लड़ता रहे रहेगा। सो मैं एज अकाली दल प्रेजिडेंट आज साड़ी कोर कमेटी की मीटिंग हुई सी, मैं पंजाब की जनता नूं सिख पंथ नूं सारे धर्मां दे लोकां नूं मैं विश्वास देना चाहना कि श्रोमणी अकाली दल किसी हालत विच भी अमन शांति पंजाब च भंग नहीं होन देगा। श्रोमणी अकाली दल किसी हालत विच भी भाईचारक सांझ टुटन नहीं देगा। वध तो वध कुरबानियां देनिया पैन, शहादतां देनिया पैन, श्रोमणी अकाली दल अगे होके साथ देगा। देखो अज हालात की है पंजाब दे, जदों दा मुख्यमंत्री
भगवंत बेईमान बनया, तुसी देखो की हालत हो गई है। गुंडागर्दी की हालात बन गई है, अज गैंगस्टर राज कर रहे हैं, लोकी व्यापारी इत्थे डर के भज रहे हैं। पहली बार होया कि पंजाब की इंडस्ट्री दे लोग बाहरले सूबे जाके कारखाना लाने नूं तैयार हो गए हैं, क्योंकि रोज़ गैंगस्टर के टेलीफोन आते हैं। सड़कां रोकी जा रही हैं, धरने हो रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। जो कल हालात अजनाले हुए, मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते, एक सिख होने के नाते, मैं कंडेम करना चाहना सख्त तो सख्त लफ्जा नाल कि कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ढाल बना के एक पुलिस स्टेशन ते हमला किया। मैं कहना आ किसी तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जिहड़ी वड्डी गल है, तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं थाने च लैके गए हो, थाने च की है, शराब उत्थे पई है, ड्रग्स उत्थे पए है, जिन्ने चोर है, जिन्ने गलत काम है, जिन्ने इलीगल चीज़ां उत्थे स्टोर च होई हैं, ते तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं उत्थे लै गए हो। तुसी सारे जानते हो, भावें नगर कीर्तन होए, भावें घर वास्ते तुसी गुरु घर चो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लैके जाने हो, बड़े सत्कार नाल सिर ते रख के पालकी साहब रख के आपां सब तो अगे, आपां झाड़ू फेरदे, पानी छिड़कदे आपां लैके जाने हैं, सिर ढक के जुत्ते ला के आपां नाल चलदे हैं। मैनू बड़ा दुख लग्या, मैनू बहुत फोन वक् वक् जगह तो आए, बहुत अपने बुद्धिजीवी सिख ने गल की, बड़े पिंडां चो सिख भाईचारे ने, कई सिंह सभावां ने मैनू टैलीफोन किए, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान दे हुंदे दे नाते ते एज अ सिख होने के नाते जो मैं देखी वह घटना किवें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ढाल बनाया गया तो उस जगह पर लैके गया। मेरे को मैं कहना सख्त तो सख्त लफ्ज चाहिए है सारी पंथ तरफों, इनू निंदा किया जाए। देखो आप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मैरिज पैलेस तक नहीं आप लेके जाते, क्योंकि उत्थे पहले दूजे काम होंगे है, हुक्मनामा भी अपना है। सो इस करके जो कल उत्थे होया, मैं स्ट्रोंगली कंडेम करना चाहना है, ते सिख संगत तो भी सवाल पूछना चाहना है कि ऐसे काम होने चाहिए है। आपा कोई धरना हो जाए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं सड़क ते बिठा विराजमान कर देने उत्थे ले जाने हैं, कि आज रुकना नहीं चाहिए। मैं सिंह सभान जदा काल तक साहब जी नूं बेनती करता दे पूछना चाहना कि आ देखो आज पूरे पंजाब दे दुनिया दे सिखां दे बहुत बुरा मनाया जो कल उत्थे गल हुई। तो इस करके मैं सारे व्यापारियों नूं, सारे धर्मां दे लोकां नूं, अमन संबंध लोकां नूं मैं बेनती करना चाहना, पंजाब विच आपां इकट्ठे रहिए, भाईचारे सांझ बना के रखिए। ते मैं सेंटर सरकार नूं ताड़ना करना चाहना, पंजाब दी सरकार नूं, आ दोनों दी लड़ाई दोनों नूं दी चाल नाल अज हालात पंजाब दे बिगड़ गए है। जो सेंटर सरकार दीआं नीतियां पंजाब प्रति है, ते नाले जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार दी नीति है, जिस तरीके ने उन्होंने माहौल खराब कर दिता है, ते मैं कहना कि आ दोनों जुम्मेवार है। पहले इन्होंने परचा दिता, फिर कहिंदे झूठा परचा है। मैं जे झूठा परचा तो सख्त निंदा करना चाहना है सरकार की, कि जे झूठा परचा फिर क्यों दिता, कि तुसी जिन्हां ने अफसर ने आ परचा झूठा दिता कि उन्हें सज़ा दोगे। ऐ नहीं है कि तुसी हर रोज़ अपने बयान बदल दो, पहले परचा फिर झूठा परचा। देखो श्रोमणी अकाली दल सदा लड़ाई लड़ता रहा है कि जे झूठे परचियां दे खिलाफ असी लड़ते रहे हैं, इंसाफ दिलाउण दे जे बेइंसाफी हुंदी उहदे खिलाफ लड़ते रहे हैं, पर एक तरीका होना चाहिए है।
प्रोटेस्ट करना धरना देना डेमोक्रेसी विच राइट है, पर जिस तरीके ना कल कीता गया वो तरीका सही नहीं। मैं कहना चाहना एज अ सिख होने नाते, एज अ अकाली दल प्रधान होने नाते, समुची पार्टी की असी विचार कीतिया, बहुत लोगों ना गल्लां करके बहुत ज़्यादा दुख लग्या कि जिवें अजनाले विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं ढाल बना के ते नाल बेअदबी करके। तो वड्डी गल आ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पालकी साहब भी जाती है, सारी संगत पिछे होंदी है, इत्थे सारे अगे कृपाना लैके ऐसियां घटना नहीं वरतनियां चाहीदियां। मैं सारे नौजवानों नूं बेनती करना चाहना कि आपां कितें जज्बात भी भड़क जाण, पर किसी हालत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बेअदबी नहीं होनी चाहीदी। जिस तरीके नाल सत्कार नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा होंदी है, किसी नूं हक नहीं कोई कताई कर दे। अज पंजाब विच इक दहशत दा माहौल है। मैनूं अज इनवेस्ट पंजाब जिहड़ा आया, कई इंडस्ट्रियल जाए उत्थों टैलीफोन आया, वह कहिंदे जी सानूं तां धक्के नाल कह रहा कि MOU साइन करो, पर असीं नहीं करना चाहते। जय जी हालात भगवंत बेईमान ने पंजाब बनाती, सानू इत्थे रहना मुश्किल है, इनवेस्टमेंट की करोगे? तुसीं इनवेस्टमेंट समट रखा उस टाइम ते आ तुसीं देखो हालात की बनी जांदे आ पंजाब दे विच। मैं कल भी कहा सी पंजाब तां बचूगा जे इत्थे पंजाब च भाई अमन शांति रहूगी, आ गुंडागर्दी खत्म होगी। अज गुंडागर्दी दा राज है जिहड़ा पंजाब दा माहौल खराब हो रहा है, ते अकाली दल जो असली वारिस जे पंजाब दा है वो श्रोमणी अकाली दल है। साढ़े वास्ते सारा कुछ पंजाब है, जे पंजाब खुश रहूगा, पंजाब तरक्की रहूगा, तो अकाली दल समझूगा कि अपनी सेवा असी चंगी कर रहे हैं। जिहड़ियां दूजियां नैशनल पार्टियां वो पंजाब की धरती नूं अपनी जंग वांगू वरतना चाहुंदियां हैं। आम आदमी पार्टी भी वरत रही है, BJP भी हुण वरत रही है, BJP एक धर्म नूं दूजे धर्म नाल लड़ा के पोलराइज करन दी सोच रही है, इकल्ली उवें कांग्रेस कर रही है, इकल्ली श्रोमणी अकाली दल है जो सारे भरावां नूं कट्ठे रख के पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदी है। ते आई कारण है असीं हर कुछ कुर्बान करांगे अपने पंजाब वास्ते। कोई सवाल? मैं एक मिनट जवाब देना चाहना है। मैं सिख संगत की भावना दस रहा, श्रोमणी अकाली दल एक पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, सिख धर्म नूं सिख सिद्धांतों नूं कायम रखना साड़ी जिम्मेवारी है। जो कुछ होया आ बहुत ही गलत होया कि तुसी अपना प्रोटेस्ट करना, किसी ने भी प्रोटेस्ट करना राइट है, जे झूठा परचा दिता है प्रोटेस्ट करना चाहिए, पर ऐ नहीं कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं ढाल बना के पिछे पिछे तुसी जाओ, ते अगे पिछे लुके ते नाले अगे अगे कृपाना लेके थाने च लै जाओ जिते शराबां पईआं चिट्टे पए आ सारा कुछ है, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं उत्थे लैके गए। गल है अज हजारां सिंघ सभावां ने मैनूं टैलीफोन कीता कि तुसी की कर रहे हो, आ मैं सिख संगत की भावना दस रहा। सी मैं SGPC अपने आप ही, जो SGPC सिख कौम की पार्लीमेंट है, SGPC प्रधान साहब इस पर विचार अपने दसंगे। मैं जो सिख संगत ने मेरे नाल गल्लां कीतियां, जो अपने अकाली वर्कर श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर नाल कीतियां, मैं उह गल कर रहा। मैं जिहड़ी थोड़ी गल है, मैं जसदार जी का की बयान है मैं नहीं पढ़िया, ना मैनू पता है। मैं एज श्रोमणी अकाली दल प्रेजिडेंट, जो एक रिस्पोंसिबल पार्टी है,
जो एक नुमाइंदा जथेबंदी है जिन्हें पंजाब वास्ते सब कुर्बानियां कीतियां उस पार्टी के मुखी होने के नाते तो समुची पार्टी की भावना तो सिख संगत की भावना मैं अज इतने थोड़े प्रेस के सामने कर रहा है कि वह जो गल कल हुई है एजे अगे तो ना होए आप कोई भी हर प्रोटेस्ट करना राइट है पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ढाल बना के नहीं कर सकते तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ऐ जी जगह च नहीं ले जा सकते तो वह भी बेदबी नाल सत्कार नाल भी नहीं उत्थे कोई सत्कार दिख रहा सी जदों लेके जा रहे सी जे उत्थे कोई चल पैंदा गोली हो जाती कुछ हो जाता हादसा हो जाता की जवाब देवे की जवाब दे देंदे इस करके आ सिद्धांतिक गल है जो अज असीं करन लगे मैं देखो स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ा स्टेट गवर्नमेंट दा दायरा अज जो हालात पंजाब दे है मुख्यमंत्री फेल हो गया अज ट्रेना बंद है सड़कां बंद है धरने दिते जा रहे है इत्थे थाने ते कब्जा हो रहा मैनूं लगदा सारे पुलिस वाले कॉन्स्टेबलों कोले पांच पांच गनमैनां दी लोड़ पैणी है क्योंकि अगे तो गैंगस्टरां ने भी देख लिया कि जे सानूं फड़न गए 500-700 गैंगस्टरां ने इकट्ठे होकर बंदूकां लैके थाने ते कब्जा करके छड़नगे जो सरकार ही है नहीं मुख्यमंत्री कित्थे है मुख्यमंत्री कित्थे है मुख्यमंत्री नूं फिक्र ही नहीं कोई मैनूं दस रहा सी जिन्हें मुख्यमंत्री ने गल की कहिंदे यार मैं तां बनना सी मेरी किस्मत मैं तो चुटकले सुना सी किस्मत मेरी गल बननी मैं कड़ा अगे इलेक्शन लड़ना आ तो सोच है पर जै जी हालात बनाती है इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने तबाह कर देना पंजाब तुसीं देखो जै जी हालात अज है जै जे होर इंसीडेंट हो गए की बचूगा पंजाब का कौन आऊगा पंजाब लोग भजन गए इत्थे लड़ाई झगड़े होंगे जे पंजाब की इकोनमी खत्म हो गई अपना घर है मैं खालसा पंथ नूं बेनती करना चाहुंदा अपना घर है पंजाबियों नूं बेनती करना अपना घर है आप अपने घर नूं बचाइए आप जोश ते होश दोनों रखिए जोश का मतलब नहीं है कि आप ऐसी गल्लां करिए जिहदे नाल हालात खराब हो जाण आप सारे जुम्मेवार हैं सारे जुम्मेवार पार्टियां सी सो असी किते नहीं चाहवांगे साढ़े वास्ते कल्ली वोट बैंक नहीं है कल्ला पंजाब है ABP Sancha, Josh, Jazba, Junoon.